कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और मैं इस हिंदुस्तान की अजमत करता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि हमारे इट मस्ट गो इन द रिकॉर्ड दैट महदवीस इन द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री थ्रू द एजेस आर गॉड फियरिंग पीस लविंग लॉ अबाइडिंग पीपल। हमारी पूरी तारीख आप उठाकर देखिए, हमने कभी जुल्म नहीं किया, हमने कभी नफरत नहीं की, हमने मजालिम को सहा है, हमने मुसीबतों को बर्दाश्त किया है। हमको कत्ल किया गया, घरों को उजाड़ा गया, मस्जिदों को जलाया गया, हिजरत करने पर मजबूर किया गया, इखराज हुआ। अरे एक दो नहीं, एक एक नमाज चार चार जगह हमने पढ़ी है, एक सोहर की नमाज हमने चार जगह पढ़ी है। यह हमारा दस्तूर है, हमको इखराज से भी किसी कसम की तकलीफ नहीं हुई। राह खुदा में मिलने वाली हर मुसीबत को हमने नेमत समझा, हमने गले से उसको लगा लिया। ताखों को हमने कभी मुसीबत नहीं कहा, हमने कहा फाखे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज है। रसूलुल्लाह ने कहा था अल फक्र फखरी, अगर इसको किसी ने गले से लगाया और दुनिया के सामने पेश किया तो महदवी कौम है। पूरी कौम की हैसियत से एक आध वली अगर ने फखर को बर्दाश्त कर लिया तो ताज्जुब की बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं पूरी कौम ऐसी बन जाए कि अल्लाह के रास्ते में मिलने वाली मुसीबतों को गले से लगाए और कहीं दुनिया आ जाए, कभी कहीं दुनिया आ जाए तो महदी माऊ ने फरमाया भाइयों यहां से दायरा उठाओ, यहां दायरा बांधते ही पहले दुनिया आ गई है, यहां रहना मुनासिब नहीं है। दुनिया को जिन्होंने मनहूस समझा वो कौम, सिवाय रसूलुल्लाह के बाद की अगर कोई कौम पैदा हुई है तो कौम महदी का नाम है।